अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक नया रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आपको टेस्ट करवाएंगे एक नई डिश। तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी वो नई डिश है। तो फिर चलते हैं। ओके व्यूअर्स, तो हम जो है वो निकल चुके हैं और अभी है हम रास्ते में और ऐसा ऐसा हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी हम निकले हैं और हमें जाना है डिफेंस और वो देखते हैं अभी हम जिस तरह से पहुँचते हैं। तो चलें आपको रास्ते में हम बताते जाते हैं कि हम किस तरह और कहां कहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल न्यू डिश है आप लोगों के लिए जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। ओके, तो यहाँ पर हमने जब सदर क्रॉस किया उसके बाद हम आ गए, ब्रिज हमने क्रॉस किया, तीन तलवार क्रॉस करी और उसके बाद हमने अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार क्रॉस किया। उनका वो जो ब्रिज है उसे हमने क्रॉस करके हम इस रोड पर आए और ये रोड जाएगा सीधा स्ट्रेट ओल्ड क्लिफ्टन। बेसिकली जो ये रेस्टोरेंट है ये है ओल्ड क्लिफ्टन पर और एक बहुत ही अच्छा और शानदार दो चाइनीज़ लेडीज़ हैं जिन्होंने इसे जो है वो अरेंज किया है और ये है वैंग वैंग रेस्टोरेंट। ये एंट्रेंस है इसका और इसके आसपास बहुत सारे बैंक्स हैं। उसके बाद हमें एलिवेटर लेनी पड़ती है थर्ड फ्लोर तक और उसके बाद एक फ्लोर हमने जो है वो स्टेयर्स यूज़ किया। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं आज रेस्टोरेंट में जो कि है वैंग वैंग रेस्टोरेंट। जबकि आपने सुना भी होगा लाइक हॉट पॉट, तो आज ट्राई करते हैं हॉट पॉट जो है आज करते हैं और हम आपको बताएंगे उसके रिव्यूज। थैंक यू। अच्छा, ये जो सेटअप है ये इन्होंने टेरेस पे जो है वो अरेंज किया हुआ है। अच्छा जी, तो हम जो आए हुए हैं या आए हुए हैं वैंग वैंग रेस्टोरेंट में। कौन सा रेस्टोरेंट है ये? वैंग वैंग रेस्टोरेंट। वेल, और वेटिंग भी बहुत है, तो लेट्स सी कितनी देर में हमारा आता है नंबर। थैंक यू। आफ्टर 15 to 20 minutes हमें जो है वो हमें टेबल अवेलेबल हुआ और ये था इनका मेन्यू। और बेसिकली हम यहाँ पर खाने के लिए आए हैं चाइनीज़ हॉट पॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल फेमस है। तो ये हमने हॉट पॉट ऑर्डर कर दिया और ये जो हमें सर्व कर रहे हैं यहाँ पर एक हॉट पॉट है और ये उसका मसाला है, यानी कि ये स्पाइसेस हैं जो उनके अपने ओन हैं और उसके साथ आती हैं चॉपस्टिक्स। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से होता है। ये ऐसा है कि इसमें सिर्फ स्पाइसेस होते हैं और ये एक फ्लेम होती है जो नीचे इसके जलती रहती है मुसलसल और इसे हमें खुद अरेंज करना होता है अपनी मर्ज़ी से। और ये यखनी होती है एक तरीके की, सारा फ्लेवर इसी यखनी में है और स्लाइस जो हैं वो अभी आएंगी। मैं तो जरूर ट्राई करूंगा। अच्छा जी, तो ये आ गया शायद हमारा फूड, तो ये हो गया स्लाइड्स। सही है, ये है मशरूम, ठीक है, और ये है चाइनीज़ नूडल्स ये हो गए। अच्छा, ये है कॉड फिश। तो वेल, ये मुझे बताए थे कि काफ़ी रनिंग है तो इनकी मैंने इसकी वजह से ये ऑर्डर किया। और ये है डम्पलिंग्स जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, तो ये है डम्पलिंग्स। तो इसको हम देखेंगे कि क्या है। वेल, जब तक इसमें जो है हमारे उबाल नहीं आ जाता जब तक जो है हम उसको नहीं कर सकते। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर हम अपनी स्लाइड्स जो हैं वो इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये स्प्राउट्स हैं? ये स्प्राउट्स हैं, ये मैंने बनाना भी बताया अपने चैनल पे जो है। ये बीन्स स्प्राउट्स हैं और मैंने जो है ब्लैक चना स्प्राउट्स बनाना बताए थे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बीन्स स्प्राउट भी बनाना बताऊँगा। दो फिश
बच्चों के लिए बड़ा। और चिकन ब्रेस्ट डाल देना। चिकन की बनाई। अच्छा तो इसमें क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा जो हमें खाना होता है वो हम डालते हैं, उसके बाद जैसे ही वो बॉईल होना शुरू हो जाता है उसकी टाइमिंग्स होती है, मीन 4 मिनट में जो है वो नूडल्स पकना स्टार्ट हो जाती है और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है बनना। और जैसे जैसे ही पकती जाएंगी इसको निकाल के हम खाते जाएंगे। थोड़ा आराम आराम से स्लो स्लो से खाना होता है क्योंकि गर्म गर्म होता है और गर्म गर्म खाने का ही इसका टेस्ट है। तो यहाँ पर जो है हमें 4 मिनट हो गए और हमारा ये हॉटपॉट रेडी था। तो फर्स्ट सेक्शन हम निकाल लेंगे जिसे जो लेना है, मीन्स पहले ओवैस ने ले लिया और मैंने ले लिया, थोड़ा बच्चों को दे दिया और उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें और डाल देंगे। फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ ये चिकन, तो लेट्स सी। अच्छा ये इनका सॉस है, तो इन्होंने बोला है कि ये टेस्टी हमारा सॉस है। 7 सॉसेस को बना के सॉसेस है इसमें बेसिकली, तो ट्राई करते हैं इसे। और ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसे अगेन रिफ़िल कर रहे हैं, तो ये अनलिमिटेड टाइम से आप जितनी बार चाहें यखनी जो है वो रिफ़िल करवा सकते हैं। टेस्ट करते हैं मशरूम, तो मशरूम टेस्ट करते हैं कि कैसा है उसका। मशरूम अच्छा। अब बारी आ गई है डबलिंग की, तो हम पहले आप डबलिंग भी देखते हैं कि कैसा है। डबलिंग्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, ये जो बहुत अच्छे हैं डबलिंग्स और अच्छा टेस्ट है। फिश चेक करते हैं इस सॉस के साथ। ये सॉस मुझे इन सब में जो है ना सबसे ज़्यादा ये सॉस बहुत पसंद आया। ये तो फिश मैंने भी टेस्ट किया, वाह गॉड फिश है ये, और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ओके, तो यहाँ पर तमाम स्लाइड्स हमारी ख़त्म हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी स्लाइड जो हैं वो ख़त्म हो गई थी। स्प्राउट्स बचे थे क्योंकि उसका फ्लेवर काफ़ी हार्श था, अदरवाइज हमने सब ख़त्म कर लिया था। तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया, तो खाना चाहिए। हाँ तो व्यूअर्स, अब हमारा हो गया डन। अच्छा तो ओवरऑल टेस्ट अच्छा था, अच्छा कॉड फिश का बहुत अच्छा टेस्ट था। और मैं मशरूम्स जो है लाइक ये वो वाले मशरूम्स नहीं है, ये दूसरे टाइप के मशरूम्स है जो कि होल मशरूम्स है, तो टेस्ट अच्छा ठीक है, इसका टेस्ट भी सही है। लेकिन मुझे वो वाले जो दूसरे वाले मशरूम्स होते हैं जो स्लाइसेस वाले आपने अक्सर बात देखे होंगे, वो मशरूम डाले। अच्छा जो कॉड फिश है बहुत अच्छी है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग बच्चों के साथ ना, क्योंकि बच्चे जो है बेसिकली इस खाने में जो है लगता है बहुत टाइम, ठीक है, तो बच्चे आपको बार बार तंग करते हैं। और बेसिकली ये हैवी टेरिस है, अगर ये आपको दिखा रहे हो तो ये हैवी टेरिस है, सही है। तो अब मसला ये होता है कि टेरिस पे बच्चों को सर्दी भी लग रही है। अच्छा, और उसके साथ साथ बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है सही है, अच्छा मैं कहूँगा, मज़ा आया ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में दे दी हूँ रिव्यू। और हॉटपॉट चाइनीज़ हॉटपॉट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और हमें बहुत मज़ा आया, और आप लोगों को भी ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। हमने 5 स्लाइड्स मंगवाई थी, लाइक स्प्राउट्स, चिकन ब्रेस्ट, फिश, डम्बलिंग्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, और बाकी सारी चीज़ें हमने फिनिश कर दी थी। और एक जो हॉटपॉट है वो 2 बंदों के लिए इनफ है बहुत, क्योंकि वो उसे बार बार रिफ़िल करते हैं। और जो उन्होंने हमें स्पाइसेस दिए थे वो भी एक बॉल में उन्होंने हाफ़ कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टू मच स्पाइसी हो जाता है, तो हाफ़ उन्होंने जो है वो अलग कर दिया था कि जब आप यखनी दोबारा रिफ़िल करवाएंगे तो आप इसे अगेन यूज़ कर लीजिएगा। तो हमने जो स्लाइड्स मंगवाई थी ज़्यादा नहीं मंगवाई थी, और तकरीबन वो हमें पूरी हो गई थी। और ज़रूर जाइए चाइनीज़ हॉटपॉट खाने।
आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप भी जाके इसे जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।